Good morning, dear students. In the previous video of this chapter, we have read about the location and extent of Saudi Arabia, its physical features, and climatic conditions. Today, we will continue with the vegetation and wildlife in Saudi Arabia. Only those plants which can survive in hot and dry weather. आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया सिर्फ वही प्लांट्स जो हॉट और ड्राई वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं वो सऊदी अरेबिया के कुछ पार्ट्स में वो प्लांट्स मिलते हैं दीज प्लांट्स हैव लोंग रूट्स एंड थोन्स इनके कांटे भी लंबे होते हैं और इनकी रूट्स जड़ भी बहुत लंबी होती है गहरी होती है द लोंग रूट्स कैन गो डीप इन टू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर ये जो लॉन्ग रूट्स हैं वो अर्थ में काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर द स्टेम्स एंड रूट्स आर सॉफ्ट एंड फ्लैशी ये जो प्लांट्स हैं जो होट एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं इनकी स्टेम्स और रूट्स फ्लैशी होती हैं और सॉफ्ट होती हैं दे कैन स्टोर वाटर और उनमें वो वाटर स्टोर कर सकती हैं कैक्टी आर कॉमन प्लांट्स होज लीव्स आर रिड्यूज टू थोन्स कैक्टी एक कॉमन प्लांट है इस एरिया में होने वाला जिसकी लीव्स थोन्स में रिड्यूज़ हो जाती हैं कांटों में दस देयर इज लेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन इसलिए इवेपोरेशन होने पर भी वाटर का लॉस कम होता है ओनली दोज एनिमल्स विच कैन सर्वाइव द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स सिर्फ वही एनिमल्स जो कम पानी में पानी की शॉर्टेज खाने की शॉर्टेज में भी हॉट ड्राई डेजर्ट में रह सकते हैं वही एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं द कैमल नॉन एज शिप ऑफ डेजर्ट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज कैमल ऊँट एक ऐसा एनिमल है जो बिना पानी के बिना फूड के ड्राई एरियाज में रह सकता है और उसे क्या बोलते हैं हम शिप ऑफ द डेजर्ट द कैमल्स कैन स्टोर वाटर इन देयर स्टामक एंड फूड इन देयर हम्प्स जो कैमल है वो पानी को कहाँ स्टोर कर लेता है अपने स्टमक में और फूड को अपनी हम्प में दे कैन मूव स्विफ्टली एकरोस द डेजर्ट ड्यू टू देयर वाइड पेडिड फीट पैडिड होता है गद्देदार जो कैमल है वो अपने पैडिड फीट की वजह से डेजर्ट में भी स्विफ्टली तेज तेज कदम आगे बढ़ाकर चल सकता है मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स स्पाइडर्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स आर फाउंड हेयर बहुत तरह के इंसेक्ट्स स्पाइडर्स रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स होता है रेंगने वाले जीव जंतु बर्ड्स और मैमल्स मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ऐसे एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं द अरेबियन हॉर्सेज आर फेमस फॉर देयर फेथफुलनेस इन पर विश्वास किया जाता है अरेबियन हॉर्सेज किस चीज़ के लिए फेमस हैं अपनी फेथफुलनेस के लिए नाउ लेट्स डू दिस चेक पॉइंट द सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया द टर्म रुबल खाली मीन्स एम टी एरिया द क्लाइमेट ऑफ is इज हॉट एंड ड्राई नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप पैसे अर्न करते हो मीन्स बिजनेस देर आर लिमिटेड इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इन दार्सली पॉपुलेटेड सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप अर्निंग कर सकते हो वो भी बहुत कम है एट सम प्लेसिज द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस थ्रू अ स्प्रिंग कुछ एरियाज में अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है अर्थ के सरफेस पर आ जाता है दीज प्लेसिस आर कोल्ड ऑयसिस डेजर्ट में ऐसे प्लेसिस को जहाँ अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है उन्हें ऑयसेस बोलते हैं चारों तरफ डेजर्ट बीच में थोड़े से एरिया में पानी स्मॉल विलेज डेवेलप अराउंड ऑयसेस एंड फार्मिंग कैन बी डन ड्यू टू फर्टाइल सॉयल इस ओएसिस के पास छोटे छोटे गांव डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पर पानी की वजह से और फर्टाइल सॉइल की वजह होने की वजह से थोड़ी बहुत फार्मिंग भी होती है खेती भी हो जाती है द मेन क्रॉप्स ग्रोन नियर द ओसिस ओएसिस के पास जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं कौन कौन सी डेट पाम्पस खजूर वीट और बार्ले जो सम पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल सऊदी अरेबिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं लेकिन वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है। सम फ्रेश वाटर इज़ मेड अवेलेबल फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक यूज़ बाय डी सोल्टिंग सी वाटर सी वाटर के को डी सोल्ट करके उसका जो नमक वाला जो टेस्ट है उसे फीका करके उसे नॉर्मल करके फिर उसे डोमेस्टिक कामों के लिए और इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है द मेन क्रॉप्स क्रोन आर कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं वीट बार्ले डेड्स वेजिटेबल्स एंड अल्फ़ाल्फ़ा अल्फाल्फ़ा एक ऐसा प्लांट होता है जिसके लीवस को हम सैलड की तरह यूज़ करते हैं सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ मिनरल ऑयल सऊदी अरेबिया जो है वो मिनरल ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में द डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ पीपल इन सऊदी अरेबिया मिनरल ऑयल की डिस्कवरी की वजह से पेट्रोलियम की डिस्कवरी की वजह से सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंज आया है विद द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ़ पेट्रोलीम द गर्मेंट इज़ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल को सेल करके जो इनकम होती है इस एरिया में गवर्नमेंट उसे किस कामों के लिए यूज़ कर रही है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को इन सब की वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही है यस डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल फिनिश दिस लेसन वॉच दिस टू वीडियोज वेरी केयरफुली Thank you and have a nice day.